आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, रियल टाइम नाम से क्लियर है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब रियल टाइम एप्लीकेशंस मींस ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें कुछ ना कुछ टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है, जहां जहां टाइम का कंस्ट्रेंट या डेडलाइन वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी टू टाइप्स के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स मीन्स ऐसे सिस्टम जैसे हॉस्पिटल्स में, ठीक है, हॉस्पिटल में जो मेडिकल जो डिवाइसेस होते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है सिस्टम्स में, वो होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उन एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है जहां पर टाइम का बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट होता है, मीन्स पर्टिकुलर डेडलाइन में हमको टास्क परफॉर्म करके आउटपुट चाहिए ही होता है, वहां पर होता है हार्ड रियल टाइम, ठीक है। पर्टिकुलर डेडलाइन में जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए और टाइम पर चाहिए, ठीक है, तो वो होते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती है, फ्लाइट कंट्रोल में, ठीक है, जहां पर डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहां पर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑटोमेटिक जो सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं वहां पर इसका यूज होता है, मेडिकल डिवाइसेस में इसका यूज होता है, ठीक है, जहां पर हमको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए सिस्टम से और टाइम पर चाहिए, ठीक है, जहां पे टाइम का कंस्ट्रेंट होता है उन डिवाइसेस में इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं। उसमें सेकंड है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट मींस नाम से क्लियर है, हार्ड मींस बहुत ज्यादा टाइम रेस्ट्रिक्ट चाहिए। इसमें सॉफ्ट में भी टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डिले हो जाता है तो चल जाता है। जैसे गेमिंग में जो गेमिंग वाले सिस्टम्स रहते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यदि यदि मैं कोई गेम खेलती हूँ तो गेम खेलने के टाइम पर क्या होता है ना, यदि मैं कोई गेम प्ले कर रही हूँ, ठीक है, गेम जब मैं प्ले कर रही हूँ तो थोड़ा सा डिले हो गया इधर उधर, ठीक है, प्लेइंग में तो चल जाता है, लेकिन हार्ड रियल टाइम में ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर टाइम पर ही, पर्टिकुलर डेडलाइन पर ही हमको आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है, जो ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग होती है उसमें, सपोज मैंने अभी एक वीडियो लेक्चर बना रही हूँ आपके सामने, ठीक है, अब मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, ठीक है, तो जो मेरा वीडियो है वो कोई कभी भी वॉच कर सकता है, ठीक है, कोई उसको एक दिन बाद वॉच करेगा मेरे अपलोड करने के बाद, दो दिन बाद करेगा, एक साल बाद करेगा, ठीक है, तो मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तब कि कोई मेरे अपलोड करने के साथ ही सब सारे लोग उसको वॉच कर ले, सब अपने अपने टाइम के हिसाब से उसको वॉच करेंगे। या ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सीरीज बना रही हूं मैं, यदि कोई स्टूडेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर है तो वो सिर्फ ये सीरीज देखेगा, या सिर्फ कोई कोई वीडियो में उसको जहां डाउट होगा जिस टॉपिक पर सिर्फ वो वीडियो खोल के देखेगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं लाइव लेक्चर लेती हूँ, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग चलती है यूट्यूब पर मेरी, तो कहीं ना कहीं मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा जो वीडियोज है वो स्टूडेंट्स लाइव देखे, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। हालांकि उसमें भी वीडियो जब मैं लाइव चलाती हूँ उसमें 10-20 सेकंड का चल जाता है कि मैंने एक सेंटेंस कुछ अभी बोला तो स्टूडेंट्स को 10 सेकंड बाद समझ आता है या सुनाई देता है वो सेंटेंस, ठीक है, तो इतना डिले हम बियर कर सकते हैं, लेकिन हार्ड रियल टाइम में हमको बिल्कुल भी जो डिले होता है बियर हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। थैंक यू।